हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं स्वाति सिंह। तो चलिए बच्चों, आज हमारी क्लास फोर्थ की जो है ये साइंस का है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर है तो बच्चों आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और कोरोना टाइम चल रहा है सो बच्चों घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। अपना और अपने अपने को ख्याल रखिए। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, साइंस की हमारी बुक क्लास फोर्थ की है, सभी लोग ओपन करिए। हम लोगों ने बच्चों अभी यूनिट सेकेंड में अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स देख लिए, ठीक है। सो आज हमें पढ़ना है अपना चैप्टर नंबर 3, ठीक है। सभी लोग अपने बुक में पेज नंबर चैप्टर नंबर 3 ओपन करिए, ठीक है। पेज नंबर है 21, चैप्टर नंबर 3। चलिए चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? क्लॉथिंग। क्या नाम है? क्लॉथिंग, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट, तो हमें क्या पढ़ना है? फाइबर्स एंड फैब्रिक, ठीक है। टाइप ऑफ क्लॉथ्स, केयर ऑफ क्लॉथ्स, फाइबर्स एंड फैब्रिक, ठीक है। तंतु और धागे, टाइप ऑफ क्लॉथ्स मतलब कपड़ों के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं। केयर ऑफ क्लॉथ, और हम कपड़ों की अपने केयर कैसे करते हैं, वो हमें आज इस चैप्टर पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए द बेसिक ह्यूमन नीड्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स, ठीक है। द बेसिक ह्यूमन नीड्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। एक जो हमारी बहुत बेसिक सी जरूरत है मानवों की, जो एक बेसिक सी ज़रूरत होती है, वो क्या होती है? हमें जीने के लिए क्या चाहिए? खाना, रहने का स्थान और कपड़े, ठीक है। वी नीड क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? हीट, गर्मी एंड कोल्ड मतलब ठंडी से। हमें कपड़ों को पहनने की ज़रूरत क्यों होती है? जिससे कि हम गर्मी और ठंडी से खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट, ठीक है। कपड़े हमें धूल और गंदगी से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। क्लॉथ्स जो है, कपड़े जो हैं, वो हमें डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे कीड़े मकोड़े जो हमें बीमार कर देते हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। दे मेक अस लुक स्मार्ट, और हमें वो एक अच्छा लुक, स्मार्ट दिखने के लिए एक अच्छा लुक देते हैं, ठीक है। चलिए फाइबर्स एंड फैब्रिक। पीपल वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स व्हेन वी विश टू गेट अ ड्रेस स्ट्रिच टू आवर लाइकिंग। वी बाई अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। पीपल वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, मनुष्य जो है, लोग जो है, जो लोग हैं मतलब मनुष्य जो है, वो अलग अलग कपड़े, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। वैन वी विश, जब हम विश टू गेट अ ड्रेस स्ट्रिच टू आवर लाइकिंग, वी बाई अ पीस ऑफ क्लॉथ, जब हमें कपड़े सिलवा कर पहनना पसंद होता है, जब हमारी पसंद होती है कि हम कपड़े सिलवा कर पहने, तो हम वी बाई अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो हम क्या खरीदते हैं? कपड़े का एक टुकड़ा, ठीक है, जिससे कि हम अपने मनपसंद कपड़े उसको स्ट्रिच करा के पहन सकते हैं, मतलब सिलवा कर पहन सकते हैं, ठीक है। ऑल क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स, जितने भी कपड़े होते हैं वो जितने भी कपड़े मीन्स फ्रॉक, शर्ट और कोट, ठीक है, पैंट, साड़ी, ठीक है, वो जो बने होते हैं, ये सारे ड्रेस मटेरियल्स हैं, ड्रेस जो हैं, ये कैसे बने होते हैं? फैब्रिक्स से, ठीक है, कपड़ों से ही बनते हैं। इफ़ वी लुक क्लोजली एट फैब्रिक, वी सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी थिन थ्रेड्स कॉल्ड यार्न, ठीक है। जब If we look, यदि हम closely at the fabric, जब हम कपड़ों को बहुत पास से देखते हैं, ठीक है, उनके धागों को बहुत पास से देखते हैं, we see that it is made up of many thin threads
कॉल्ड यार्न। हम देखते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे धागों, ठीक है, थ्रेड्स, बहुत छोटे छोटे तंतु से बना होता है, जिसे हम धागा बोलते हैं, ठीक है, यार्न। वीविंग यार्न्स टुगेदर फ्रॉम अ फैब्रिक, ठीक है, यार्न से, धागों से बुनाई करके एक कपड़े को बनाते हैं या कपड़े का निर्माण होता है, ठीक है। ईच यार्न इज मेड अप ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड कॉल्ड, ईच यार्न इज मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। जितने धागे होते हैं वो भी पतले पतले तंतु, जिसे कि हम फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है, तंतु से मिलके बने होते हैं। धागे भी जो होते हैं वो कुछ फाइबर्स से मिलके बने होते हैं, फाइबर्स मीन्स तंतु, ठीक है। दीज फाइबर्स मे बी नेचुरल और मैनमेड, और ये जो धागे होते हैं, जो फाइबर्स, जो तंतु होते हैं, ये या तो मैनमेड होते हैं या तो नेचुरल होते हैं, मतलब या तो ये प्रकृति द्वारा दिए गए होते हैं या तो ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, मतलब कि जो हमें नॉर्मली जो हमें प्रकृति से मिलता है, प्रकृति मीन्स नेचुरल, ठीक है, नेचर से। नेचर का मतलब हो गया जैसे कि हमें पेड़ पौधों से मिल रहा है, जानवरों से मिल रहा है, हाँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो मैनमेड नहीं होती है, जो हम नहीं बना सकते, ठीक है, नेचुरली हमें मिल रही है, तो ऐसे फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। वो हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधों से या जानवरों से, ठीक है, प्लांट से या एनिमल्स से। कॉटन एंड लेनिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, वाइल वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। नॉर्मली जो प्राकृतिक तंतु जो होते हैं वो हमें जानवरों और या तो पौधों से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। कॉटन एंड लेनिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, वाइल वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। कॉटन और लेनिन जो है वो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स से मिलते हैं, और वुल मटेरियल, सिल्क मटेरियल जो होते हैं, ये हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। चलिए, सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट फाउंड नेचुरली एंड आर मेड बाय मैन, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं, ये मनुष्यों द्वारा, ये आदमियों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स, और इसे हम अलग तरह से क्या बोल सकते हैं, ये मैन मेड फाइबर्स हैं, ठीक है, ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए तंतु होते हैं, ठीक है। फाइबर्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, फैब्रिक्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्ग। फैब्रिक्स ऐसे कपड़े जो कि सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, सिंथेटिक तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, ये मजबूत और लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एंड वाटर प्रूफ, और ये स्ट्रेचेबल होते हैं, रिंकल फ्री, इनमें सिकुड़न कम आती है, एंड वाटर प्रूफ भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आर रेयन एंड पॉलिस्टर, और जैसे कि इनका क्या एग्जाम्पल, सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं, रेयन और पॉलिस्टर, ठीक है। रेयन और पॉलिस्टर कौन से फाइबर्स हैं, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। कॉटन एंड लेनिन कौन से हैं, ये नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। वुल एंड सिल्क कौन से फाइबर्स हैं, ये भी नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ क्लॉथ्स, बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं पूरे दिन में अलग अलग समय पर, ठीक है। चलिए, वी वियर आवर यूनिफॉर्म टू स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं तो हम अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है।
वी वियर लूज एंड कम्फर्टेबल क्लॉथ्स एट होम, और जब हम घर पर होते हैं तो ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है, तो हम वो पहनते हैं ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े, ठीक है। वी वियर एट नाइट सूट व्हेन वी गो टू स्लीप, और हम नाइट सूट पहनते हैं कब, जब हम सोने जाते हैं, ठीक है। वी वियर फैंसी क्लॉथ्स टू गो टू अ पार्टी और सोशल फंक्शन, और हम फैंसी क्लॉथ्स पहनते हैं कब, जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, ठीक है, या कोई पार्टी अटेंड करने जाते हैं, तो हम कैसे फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं ना बच्चों, आप सभी लोग पहनते होंगे, ठीक है, तो कब पहनते हैं ऐसे फैंसी ड्रेसेस, रोज घर पे तो नहीं पहनते हैं, तो सबका एक हर कपड़ों का एक अलग टाइम होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म हम स्कूल में पहनते हैं, घर पे हम थोड़े से लूज कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जो कि हमें जिसमें हमें वो देखने में भी अच्छा लगे और हम पहनने में भी कंफर्ट रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद नाइट सूट हमें सोते टाइम पे पहनना चाहिए, ठीक है। फैंसी ड्रेस जो होता है वो हम कभी पार्टी फंक्शन अटेंड करते हैं तब पहनते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्लॉथ्स आर वॉर्न इन डिफरेंट सीजन, ठीक है, अलग अलग कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग सीजन में पहने जाते हैं। इन समर वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन और लेनिन, ठीक है। इन समर मतलब गर्मियों में वी वियर हम पहनते हैं लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, मतलब हल्के रंग के कपड़े मेड ऑफ कॉटन और लेनिन, जो कि कॉटन और लेनिन से बने होते हैं, ठीक है। हम गर्मियों में ऐसे लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जो कि कॉटन और लेनिन से बने होते हैं, ठीक है। इन विंटर वी वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल, हम ठंडियों में गहरे रंग के कपड़े डार्क कलर्स पहनते हैं, कब, ठंडियों में, जो कि किससे बना होता है, वूल, ऊन से, ठीक है, ऊनी कपड़े हम ठंडियों में पहनते हैं जो कि डार्क कलर में होते हैं। इन रेनी सीजन, अब देखिए रेनी सीजन की बात करें तो हम बारिश के मौसम में, ठीक है, वी वियर रेनकोट, हम क्या पहनते हैं, रेनकोट ओवर द क्लॉथ्स, सारे कपड़े पहनने के बाद ऊपर से हम क्या पहनते हैं, रेनकोट, ठीक है। इट इज मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल लाइक रबर और प्लास्टिक, ठीक है, ये इट इज मेड ऑफ, ये जो है ये बना होता है किससे, वाटर प्रूफ मटेरियल, ये जो रेनकोट होता है हमारा वो वाटर प्रूफ मटेरियल होता है जो कि मैक्सिमम रबर या प्लास्टिक से मिलके बना होता है, ठीक है, उसे हम इजिली वियर करते हैं और उसे पहनने के बाद हम बारिश से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लॉथ्स आर वॉर्न फॉर द फॉलोइंग रीजन, कपड़े जो होते हैं उसे पहनने के लिए बहुत सारे रीजन्स होते हैं, क्या होते हैं, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। कॉटन क्लॉथ्स अब्सॉर्ब स्वेट एंड अलाउ टू एयर टू पास थ्रू देम एंड कीप अस कूल इन समर, ठीक है। कॉटन क्लॉथ्स अब्सॉर्ब स्वेट एंड अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम, ठीक है। कॉटन कपड़े, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पसीना, स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना, ठीक है, पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, एंड अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम, और हवा को अलाउ करते हैं अंदर बाहर जाने के लिए, ठीक है, एंड कीप अस कूल इन समर, और हमें गर्मियों में ठंडा रखते हैं। वुलन क्लॉथ्स ट्रैप द हीट इन साइड द कीप आवर बॉडी वार्म इन विंटर, ठीक है, और जो ऊनी कपड़े होते हैं वो गर्मी को अंदर ही बनाए रहते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी को गर्म करते हैं, कब, ठंडी के मौसम में, ठीक है। रेनकोट कीप अस ड्राई एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, और जो रेनकोट होते हैं वो हमें सूखा रखते हैं, ठीक है, वो हमें ड्राई रखते हैं और हमारी हेल्प करते हैं जिससे कि हम भीगने से बचते हैं, ठीक है, हम भीगते नहीं हैं, हम नहीं भीगे और हमें हमारी बॉडी सूखी रहती है, हमारे कपड़े सूखे रहें, बारिश में हम ना भीगें, इसके लिए हम क्या वेयर करते हैं, रेनकोट, ठीक है। वेयरिंग फुल स्लीव क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, और फुल स्लीव मतलब कि पूरी आस्तीन, ठीक है, पूरी आस्तीन, फुल आस्तीन,
ठीक है, फुल स्लीव्ड क्लॉथ्स जो पूरे आस्तीन के जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो हमें इंसेक्ट बाइट मीन्स कीड़े मकौड़ों के काटने से सुरक्षित रखती है, बचाती है। ठीक है, देखिए बच्चों, केयर ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, अब कपड़ों की हमें कैसे केयर करनी चाहिए हम उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, टू कीप क्लॉथ्स इन गुड कंडीशन एंड टू मेक देम लास्ट लॉन्ग वी मस्ट केयर फॉर देम। ठीक है, अपने कपड़ों को अच्छी तरह से रखने के लिए, ठीक है, और उसे लंबे समय तक चले ऐसा बनाने के लिए हमें उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ठीक है, सम वेज टू टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स आर एज फॉलो। ठीक है, कुछ तरीके बताए जाएंगे जिस तरह जिससे कि हम अपने क्लॉथ्स को जिससे अपनी क्लॉथ्स की टेक केयर कर सकते हैं, हम उसे ठीक से उसका रख रखाव कर सकते हैं। ठीक है, टू रिमूव द स्मेल ऑफ स्वेट डर्ट एंड स्टेन्स क्लॉथ मस्ट बी वॉश्ड वेल विद अ गुड सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, टू रिमूव द स्मेल ऑफ स्वेट, ठीक है, अब पसीने की बदबू को हटाने के लिए, डर्ट मतलब गंदगी को हटाने के लिए, क्लॉथ्स मस्ट बी वॉश्ड, कपड़ों को धुलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, किससे, विद अ गुड सोप एंड डिटर्जेंट, अच्छे साबुन और अच्छे डिटर्जेंट से। ठीक है, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर, सिल्क और जो वुलन कपड़े होते हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से केयर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, दे आर अटैक्ड बाई मॉथ्स एंड सिल्वर फिश, ठीक है, ये जो होते हैं इनमें छोटे मोटे कीट लग जाते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी स्टोर सच क्लॉथ्स मॉथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स मस्ट बी केप्ट विद देम। ठीक है, तब वी व्हेन स्टोर, जब हम इन कपड़ों को रखते हैं, ठीक है, तो हमें उसमें मॉथ बॉल्स या ड्राई नीम मतलब कि सूखे नीम के पत्तों को कपड़ों के साथ रख देना चाहिए। ठीक है, दिस कीप्स द इंसेक्ट्स अवे, और इससे ये कीड़े मकौड़ों को दूर रखता है। ठीक है, इससे कपड़ों से कीड़े मकौड़े दूर रहते हैं। वुलन सूट कोट एंड ट्राउजर मस्ट बी टेकन फॉर ड्राई क्लीनिंग, जो ऊनी सूट होते हैं, कोट्स होते हैं और ट्राउजर्स होते हैं, मस्ट बी टेकन फॉर ड्राई, और इसे ड्राई क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, प्लेन वॉशिंग डैमेजेस देम, और नॉर्मल जो हम घर पे कपड़े करते हैं, नॉर्मल धुलाई जो है वो इन कपड़ों को डैमेज कर सकती है, ख़राब कर सकती है। ठीक है, इन ड्राई क्लीनिंग, अब ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है बता दूँ कि ड्राई क्लीनिंग में अ केमिकल सॉल्वेंट मतलब रासायनिक जो तत्व होते हैं, मतलब किसी रासायन की केमिकल की हेल्प से, अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कुछ केमिकल सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिससे कि यूज़ किया जाता है। ठीक है, इज़ यूज टू क्लीन डेलिकेट फाइबर्स, ठीक है, जो नाजुक फाइबर्स, नाजुक जो तंतु होते हैं, मुलायम तंतु जो होते हैं कपड़े के, उन्हें हम इन फाइबर्स के इस केमिकल जो हमारा केमिकल सॉल्वेंट है इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से जो हम वॉश करते हैं कपड़ों को, इसे हम ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है रिवीजन। ठीक है, तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड इंसेक्ट बाइट। ठीक है, कपड़े जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट रखते हैं गर्मी ठंडी और बारिश से, और जो कीड़े मकौड़े के काटने से भी हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स वॉर्न बाई पीपल डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑफ अ प्लेस। ठीक है, द काइंड ऑफ क्लॉथ वॉर्न बाई पीपल मतलब कि कपड़ों को खरीदने के और पहनने के जो कपड़ों को खरीदने और पहनने के बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि डिपेंड होते हैं मौसम और उन और कई बार जगहों पर। ठीक है, वेदर एंड जगह, जैसे आपके मैंने बताया आपको कि रेनी सीजन हो गया, ठीक है, समर सीजन, विंटर सीजन में हम अलग अलग क्लॉथ्स वेयर करते हैं। ठीक है, और प्लेसेस मतलब कि हमें स्कूल के लिए यूनिफॉर्म, ठीक है, सोने के टाइम पे नाइट सूट, ठीक है, फैंसी ड्रेसेस का पार्टी वेयर ड्रेसेस, ठीक है, तो ये सारे हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग ज़रूरतों के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है,
क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. कपड़े जो होते हैं वो दोनों तरह के फाइबर से मिलके बने होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, तो फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स ऑफ फाइबर विच इज नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, सिल्कन एंड वुलन क्लॉथ्स मस्ट बी स्टोर विद मॉथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स. ठीक है, सिल्क और वुलन कपड़े जो होते हैं इन्हें हम रखते हैं जब, तो इनके रख रखाव में हमें मॉथ बॉल्स या सूखे नीम के पत्तों को डालकर रखना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, चलिए तो बच्चों अब इसके बाद ये हमारा एक्सरसाइज है. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शाम तक आपको आपकी ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको भी कंप्लीट करा दी जाएगी. ठीक है बच्चों, चलिए तब तक एक बार ये वीडियो देखिए, पूरा रिवीजन कीजिए, पूरा अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है, और नहीं समझ में आता है 2 से 3 बार पढ़िएगा. नहीं समझ में आया उसके बाद तो फिर आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, आपको बच्चों इसकी एक्सरसाइज भी करा दी जाएगी. ठीक है, चलिए, थैंक यू.